राधे राधे मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे। महादेव जी माता पार्वती को तीसरे अध्याय का महात्म्य सुना रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता था, शराब पीता था, शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां इसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके सिर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया, तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें इस प्रकार कहना आरम्भ किया, बेटा दैवश मेरे निकट गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्सज्ज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने उसे कहा, अनग तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाइयों ने भी किया था, इससे वे घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना चाहिए। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो, इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एव मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के संस्कारों से उनका पूजन किया, कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज शेष शय्या पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास उस संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें।
अमत तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत नाल के जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंदयुक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी और चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों के आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सबको एक ही सात्विक कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सहस्त्र सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप हैं और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार, प्रभु कोटि कोटि प्रणाम है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्घर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। भगवान कोटि कोटि प्रणाम है। पालन के समय समस्त सत्तों में शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है भगवान। जिनके ललाटवर्ती नेत्रों के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। कोटि कोटि प्रणाम है भगवान। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं, अतः समस्त वैष्णवजनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते हैं। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी महिमा का अंत नहीं है क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं, अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य है उसे बतलाइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमित से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ, अतः तुम अपना काम करो और अपने लोग को लौट जाओ। यो कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। बोले, भक्तवत्सल भगवान की जय। यमराज भी अपने पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के समस्त नार के जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान पर विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों के स्वरूप को त्यागने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निःसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसीलिए जो मूल बुद्धि पुरुष कर्म इंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है वो मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कभी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर, कर्म न करने से तो पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग विद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना ही दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है, कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाला शेष पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, तथा वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, तथा उस कर्म को तो वेदों से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छे प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है और अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बदलते हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसी अनुसार बदलते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म से ही बदलता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं अर्थात बरतने लग जाएंगे, तथा यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्णसंकर का कारण करने वाला हूं, तथा इसी सारी प्रजा का हनन करूं अर्थात मारने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छे प्रकार करता हुआ उनसे वैसे ही करवावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं तो भी अहंकार से मोहित हुआ अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, परंतु हे महाबाहो,
गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में बरतते हैं ऐसा मानकर नहीं आसक्त होते हैं, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छे प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छे प्रकार जानने वाले ज्ञानी पुरुष चलायमान न करें। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्याननिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझमें समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित हो और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तो कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए के सदी से न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यही महा अशन अर्थात अग्नि के सदी से भोगों से न तृप्त होने वाला बड़ा पापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वासना स्थान कहे जाते हैं, और यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर कामरूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो यह तेरी भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से पर मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय। फ्रेंड्स, ये था तीसरा अध्याय। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता माता की जय। फ्रेंड्स, यहाँ भगवान ने हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें हर अवस्था में कर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं भी करते, हम सोचते हम कोई कर्म नहीं करें, फिर भी ये सोचना भी एक कर्म ही है, हम हर तरह से कर्म करते ही रहते हैं, तो हमें निष्काम भाव से सदैव अपना कर्म करते रहना चाहिए। और हम नहीं कर्म करते हैं, ये सारे कर्म हमारे पहले से ही निश्चित हैं और प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही सारे कर्म हम करते हैं, तो हमें कभी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं ट्राई करूँगी अपनी बुद्धि से और प्रभु की दया से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और भी डिवोटीज के साथ शेयर करें। जय श्री राधे।